हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रद्युम्न। आज मैं आपको बताऊंगा बाई आईवेरी वाईफाई कंसोल। तो सबसे पहले हमारा आता है डैशबोर्ड। इसमें हम देख सकते हैं कि कितने यूज़र अभी एक्टिव हैं, तो 6 यूज़र एक्टिव हैं। DHCP हमारा कितना है, कितनी ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड की, तो 59 है। CPU यूजेस कितना है, ये डिटेल्स सभी आ रही है। उसके बाद आता है हमारा सेंड OTP ऑप्शन। सेंड OTP में हम जाएंगे, इसमें हम रूम नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी रूम हमें सेलेक्ट करना है लाइक हमने। उसके बाद हम उसका पर्टिकुलर गेस्ट का नाम देंगे जो भी है, मोबाइल नंबर डालेंगे इसमें, उसके बाद यहाँ पे आ रहे ऑटो पासवर्ड। अगर ऑटो पासवर्ड देंगे तो हम रैंडम पासवर्ड होगा, और अगर पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो मैनुअल पासवर्ड जो भी चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोफाइल टाइप, यूजेस ऑटो चेकआउट। ऑटो चेकआउट पे हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, वन डे, टू डे, 24 आवर्स, कॉम्प्लीमेंट्री, जो भी हमें ऑप्शन प्रोवाइड करना है। लाइक हमें टू और ऑटो चेकआउट पे नहीं क्लिक करना है तो हम चेक इन कर सकते हैं। उसके बाद हमें OTP के द्वारा मोबाइल पे नंबर पे मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा थर्ड ऑप्शन, मैनेज रूम। इसके बाद हम रूम्स में जाएंगे, यहाँ से हमें अगर ऐड रूम में जाएंगे, अगर न्यू रूम क्रिएट करना है तो उसका यूज़र नेम डाल देंगे। लाइक हमने यूज़र नेम कोई भी रख लिया। लाइक रूम के नाम से ही रख लेते हैं हम रूम। पासवर्ड, ऑटो पासवर्ड हम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद सेव कर देंगे तो हमारा न्यू एक ये न्यू न्यू रूम ऐड हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा एक्टिव यूज़र्स। इसमें हम रिपोर्ट्स शो कर सकते हैं कौन कौन सा यूज़र हमारा एक्टिव है। उसके बाद आता है हमारा प्रोफाइल। कुछ अभी हमने केवल डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल के नाम से बनाया, हम प्रोफाइल भी बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो मल्टीपल प्रोफाइल शो करने लगेगा। उसके बाद आता है हमारा होस्ट, कौन कौन अभी होस्ट एक्टिव है। इसमें एक ऑप्शन है बाईपास यूज़र। अगर किसी को हमें लॉगिन नहीं कराना है, डायरेक्ट बाईपास करना है, तो लाइक हम रिएक्शन जैसे देख सकते हैं कि ये बाईपास यूज़र है, तो इनको लॉगिन पेज नहीं आएगा। उसके बाद आता है हमारा OTP लॉग। इसमें हम डिटेल देख सकते हैं हमने किस गेस्ट को क्या दिया, कौन किसका डिटेल्स सभी का इसको हमने क्या दिया, प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसकी ये डिटेल्स इसमें आ जाएगी। उसके बाद आता हमारा था फोर्थ ऑप्शन यूज़र्स, रजिस्टर्ड यूज़र्स। इसमें जाके हम न्यू यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। एंड यूज़र लॉग, तो वी नो डेट कोई भी इसमें लॉग एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद आता है हमारा सोशल लॉग इन। सोशल लॉग इन में जाके हम अपना डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, होटल का डेमो, लॉग इन, वेबसाइट वगैरह, एवरीथिंग, फेसबुक ऐप, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी डिटेल्स हैं सभी प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें जाके। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है स्टाफ। इसमें जाके हम स्टाफ ऐड कर सकते हैं, लॉगिन पैनल ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड जाके अनरेंज कर सके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लिस्ट, स्टाफ लिस्ट, कि कौन कौन से यूज़र अभी हमने एक्टिव बनाए हुए हैं। तो हमने अभी 2 एक्टिव बनाए हुए हैं तो वो आएगा। उसके बाद आता है हमारा स्पेशल यूज़र। इसमें हम ऐड करा सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। उसके बाद आता है हमारा टूल्स ऑप्शन। इसमें एक्सेस पॉइंट को मैनेज करने के लिए, कि हमें कोई नया एक्सेस पॉइंट ऐड कराना है तो उसके लिए हम यहाँ से ही ऐड करा सकते हैं डायरेक्ट उसको। उसके बाद फिफ्थ लास्ट ऑप्शन है हमारा सेटिंग। इसमें जनरल में जाके हम एडमिन को, यूज़र एडमिन की डिटेल चेक कर सकते हैं, मेन पैनल की, लैन IP चेंज कर सकते हैं, QR लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं, जो भी वॉट एवर हमें रिक्वायर्ड है उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डाटा यूजेज लिमिट्स। इसमें हम डाटा कैप्शन लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर GB के बाद, MB के बाद डाटा ऑटोमेटिक उस पर कैप्शन लग जाए तो यूज़ ना हो। डाटा टाइमिंग लिमिट्स,
इसमें हम हावर सेट कर सकते हैं कि कितने टाइमिंग के बाद कितना डाटा यूज़ होना है और कितने टाइम के लिए होना है। सेटिंग हमारा लास्ट ऑप्शन आएगा एसएमएस सेटिंग, उसमें हम अपना किसी टेम्पलेट मैसेज डालना है तो उसके हम यहाँ पे एसएमएस डाल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं और क्रिएट करके हम जब भी किसी गेस्ट को देंगे तो ये एसएमएस साथ में जाएगा। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।